के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्पेशली दो नीडर की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आज के समय में आमतौर पे लोग तो बिजी रहते ही हैं, कईयों को जॉब पे जाना होता है, कईयों को अपने बच्चे भी संभालने होते हैं, घर को संभालना होता है, और इसी अंतराल में समय का काफी अभाव रहता है। और अगर हम नीडिंग करने बैठे, आटे को गूंदने बैठे, तो काफी समय लग जाता है। और एक चीज ऐसी मशीन है जो मैं आज के लिए आपके लिए सिर्फ अनबॉक्सिंग करूंगा। फिलहाल जब मैं इसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मैं इसका कैसे यूज करना उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, और मेरे को ध्यान में लाता है, मैंने यहाँ पे इसका लिंक भी डाल दूंगा बाद में। बट फिलहाल मेरा आज का जो पर्पस है लाइफ लॉन्ग के प्रोडक्ट को अनबॉक्स करना, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फिलहाल इसी टाइप की पैकेजिंग में आता है, सील्ड पैक होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, अब आटा गूंथते हैं देखो, हाथ जो वगैरह है उसमें क्या, कभी आटा काफी लग भी जाता है, ठीक है, गृहणियों को काफी दिक्कत भी होती है। यहाँ एक काम करते हैं, इस टाइप का जो प्रोडक्ट है आप अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं, अपनी बहन के लिए ले सकते हैं, अपने मदर के लिए ले सकते हैं, या दादी के लिए जो भी घर में काम करती हैं, जिन्हें अच्छा लगता है कुकिंग करना वगैरह, तो उनके लिए तो ये वरदान है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसको कैसे लगता है, बट आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने महत्वपूर्ण हो गए लाइफ में, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन का होना फुली ऑटोमेटिक, इसी तरह इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिलहाल ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना हमने, आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं। और फ्रेंड मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो इस चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक करना है, और ये जो वीडियो है ना फ्रेंड सर्कल में आपने जरूर शेयर करनी है। तो फिलहाल अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ठीक है, तो इसमें हम आप वीडियो देख लेना जो भी है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। परचेज लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा। देखिए लाइफ लॉन्ग ये ब्रांडिंग हो रखी है, मेकिंग इट पॉसिबल लिखा हुआ है, और मैं दिल्ली से हूँ, और ये आई थिंक इनका जो एड्रेस है वो दिल्ली का ही है। तो ये देखिए इस प्रकार की पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें बात करें, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर आइए, कैमरा इसमें दिख रहा है, इसमें एमआरपी 12,000 रुपए इसका एमआरपी है, ठीक है। और बाकी इसका जो मॉडल नंबर है वो है LLSM X21, ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मॉडल नंबर है LLSM X21। और बाकी रहा सवाल, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इनका एड्रेस और फोन नंबर भी आप दिखा सकते हैं, कैमरे में आ रहा है पूरा क्लियर, देख लीजिएगा, क्लियर आना चाहिए जी। तो फिलहाल मैं दिल्ली से हूँ, और ये ब्रांड भी दिल्ली का ही एक तरह से, या इनका ऑफिस है व्हाटएवर जो भी है। तो फिलहाल हमारा पर्पस है इसको अनबॉक्स करना, क्या क्या कंटेंट आते हैं, ताकि आपको भी जानकारी मिल सके। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए तो मैं माफी चाहूंगा, बट एट द एंड वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। ये देखिए इस टाइप का कुछ मिलता है, मैं पहले निकाल लेता हूँ, पहले तो मेरे हाथ में ये लगा है काफी क्यूट लग रहा है दिखने में, बट देखते हैं उसे, आई थिंक स्पेक्टेटर कहते हैं। बाकी इसको साइड में रखता हूँ, और फिलहाल मशीन को मैं ऐसे निकालता हूँ धीरे धीरे। भाई अब जहां भी हो, फैमिली मेंबर तो खुश हो ही जाएंगे जो आटा गूंथते हैं, या जैसे भी,
बाकी ये कोई भी थर्मोकोल का कोई इतना महत्व नहीं है जितना कि महत्व है मशीन का होना। तो थर्मोकोल का क्या फर्क पड़ता है इसको भी साइड कर देते हैं जी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। थोड़ा प्रेशर पड़ा होगा कोरियर से दुआया जैसे भी। एक तो फ्रेंड इसके अंदर जो मेरे को दिख रही है इस प्रकार की यूजर मैनुअल है, तो समय हो तो पढ़ लीजिएगा। एक साल की वारंटी लिखा हुआ है जी, और बाकी 1000 वॉट में है, और स्प्लैश गार्ड वगैरह है, 8 वेरिएबल स्पीड कंट्रोल, इंटरलॉक स्विच वो है, मैं दिखाता हूँ पहले। तो एक तो ये निकला है इसमें से, आई थिंक ये कवर लग रहा है, अगर हम आटा वगैरह गूंथते हैं ऊपर से कोई डस्ट वगैरह ना आए तो सेफ। ये तो मुझे सही अच्छा लगा, सेफ गार्ड की तरह काम करेगा। इसको इधर रख लेते हैं, और बाकी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कहीं सोच रहे हो ज़्यादा महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आप इसको क्या कहते हैं EMI पे भी ले सकते हैं लेना चाहो तो। बाकी ये देखिए इस टाइप का प्लग आता है जो आपको लगाना पड़ेगा, और ये बना है चाइना में, मेड इन चाइना है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार की मशीन है, इस प्रकार की मशीन है, लुक सिंपल है। और बाकी इसमें देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये लॉक होता है जी, आप ऐसे करेंगे ऐसे हो गया, कैसा लगा? मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। ये देखिए अगर इसको आपने यूज करना है, ठीक है, ये जो बटन है ना सिंपल, इसको ऐसे कर दीजिएगा, अनलॉक हो गया, ठीक है। अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं इसको निकाल सकूं, ये निकाल लेते हैं जी। अब साथ में क्या क्या मिलता है वो हम देखेंगे जी, और वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए माफी चाहूंगा। ये देखिए फ्रेंड, ये है विस्कर, ये है विस्कर है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे लिए तो इतना यूज में नहीं है, बट जिसको क्रीम से रिलेटेड है जहां तक मेरे को आइडिया है, देखो मैं कुकिंग तो करता नहीं हूं तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिलहाल ये विस्कर हुआ, ये बीटर हुआ, इसे बीटर कहते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो। और बाकी मेन जो चीज देखी जाए, आमतौर पे घर में खाना तो बनता ही है ना इंडियंस के आमतौर पे, या बाहर भी जैसे भी, ये है डॉग हुक। तो मेरे हिसाब से डॉग भी बड़ा इनवारे है, और ये जहां तक मेरे को आइडिया है फ्रेंड, एक जो सामान मिला है ये है एग सेपरेटर। तो देखो मेरे लिए तो एग का इतना रोल नहीं है फिलहाल, जैसे जो जैसे हम अंडा तोड़ते हैं तो येलो पार्ट ऊपर आ जाता है बाकी व्हाइट पार्ट नीचे चला जाता है, उससे रिलेटेड है। तो आपको आइडिया लग गया एसेसरीज में क्या क्या मिली है मेरे को। एक तो स्पेक्ट्रोला मिला है जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का एक बीटर मिला है, ठीक है जी, एक सेपरेटर मिला है जी, और ये देखिए विस्कर एक ये मिला है। तो और रहा सवाल बहुत कीमती आटा गूंदने वालों के लिए, तो फिलहाल जहां मेरे को आइडिया है ये शायद यहाँ पे ऐसा कुछ लगता है, ये देखिए देखिए यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ना पॉइंट बना हुआ है। तो एक ही ध्यान रखना कभी भी आपको लगाना है ना, ये देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले इसको ये रखो ऐसे लगाना है, ये ऐसे, ठीक है, समथिंग ऐसे, फिर इसको ऐसे लॉक कर देना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, टिंकू भैया ये बाउल, अब बाउल कैसे फिट करें, टेंशन क्यों ले रहे हो, टिंकू भैया की वीडियो देख रहे हो ना आप। ये देखिए ये जो है ना इसको ये देखिए ऐसे ले जाना, ये देखिए ऐसे ले गए, और समथिंग ऐसे कुछ हो जाएगा, देखिए लॉक हो गया ना। अब जहां तक मेरे को आइडिया है इसका जो कवर मिला था ऊपर, वो आप इसको ऐसे, और बाकी रहा सवाल ये पावर कोर्ड होगी, थोड़ा सा मैं इसको दिखा रहा हूं, पावर कोर्ड की लेंथ दिखा रहा हूं, तो आपको आइडिया होना चाहिए ना भाई कि अगर आप घर के लिए लेने जा रहे हो, अपने भाई बहन अपनी बहन के लिए लेने जा रहे हो, या मॉम के लिए लेने जा रहे हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खाना बनाता है घर पे, या नीडिंग करता है डो बनाता है,
तो उसके लिए भी आइडिया होना चाहिए ना। तो ये वायर की लेंथ है जी, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, टिंकू भी आपने डॉग हुक तो दिखा दिया, ठीक है। मैं ये भी मान सकता हूँ कि आपका टिंकू भैया का पर्पस होगा कि भाई नीडिंग से रिलेटेड थोड़ा काम आसान हो जाए, तो इसके लिए कैसे यूज करें, ये तो वो मैं अभी आपको चला के नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ। मैंने अनबॉक्स किया, क्या क्या एक्सेसरीज मिली, इसका मैंने MRP बताया, बट डोंट वरी, इसमें बेस्ट प्राइस के लिए मैं इसका परचेज लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा, और वहां पे आप चाहो तो EMI भी लेना चाहो EMI पे ले लो, जैसे आपको संभवतः अच्छा लगे। फिलहाल मुद्दा ये है कि ये देखिए इसमें ना स्पीड्स बनी हुई है, ये देखिए 1 2, ये देखिए 3 4, तो ये आपका 0 से लेकर 4 तक का जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट दो हुक के लिए, ठीक है जी। अगर आपको आटा गूंदना हो या जैसे, अब आपके लिए वन क्वेश्चन करता है कि चलो अब ये है बीटर, तो बीटर की जो वैल्यू जाती है जी वो जाती है आपके ऊपर है, 6 तक ले जाओ, ठीक है जी 6 तक। ये आप अपने अनुसार देखिएगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, स्पीड कितनी चाहिए कि नहीं। और ये देखिए जो विस्कर है, विस्कर 8 तक जाता है जी। तो आपको अभी क्या अनुभव हुआ, स्पीड का अनुभव हुआ जैसे मैंने आपको बताया 1 से लेकर 4 तक डो हुक, ठीक है, सेकेंडरी 6 तक जो होता है आपका बीटर, 8 तक होता है विस्कर। तो मेरे को इतना ज्ञान था वो मैंने आपको बांटा, और बाकी रहा सवाल अफोर्डेबल प्राइस में है, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है, 1000 वॉट का है, तो ठीक है, MRP 12000 है, इसका मतलब नहीं है कि 12000 का ही मिलेगा, जो भी बेस्ट डील है बेस्ट प्राइस का, जो भी है मैं लिंक डाल दूंगा जहां भी अवेलेबल मिल रहा होगा जैसे भी, तो अब वहां पे जाके इसको परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो। एक्सेसरीज दिखा दी, लुक में काफी अच्छा लग रहा है, और ठीक है जी जिस हिसाब से है, तो बाकी अब क्या है कि नेशन भी तरक्की की राह में है, तो इस टाइप के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं आमतौर पे तो यूज करने चाहिए, बाहर के लोग तो यूज करते ही हैं, बट आप सबको भी यूज करना चाहिए, तो आपकी सिस्टर काफी खुश हो जाएगी, आपकी वाइफ काफी खुश हो जाएगी, आपके घर में जो भी खाना बनाता है नीडिंग करता है, अगर आपके घर में काम वाली हैं जो काम करते हैं आपके लिए, आपके घर में शेफ हैं, तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं अपने फैमिली के अनुसार कि भाई ये 1000 वॉट और ये बाउल जो हमारे आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, आप अपने आवश्यकता के अनुसार आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा स्पेसिफिकेशन फीडबैक जो अभी अवेलेबल हो आप पढ़िए समझिए उसके बाद ही लीजिएगा। तो मेरा पर्पज था इसको अनबॉक्स करना, थोड़ा बहुत जानकारी बांटना, वो संपूर्ण हुआ। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपने देखा जाए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लिया होगा, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर आप Facebook पे है तो आपने मेरा चैनल को फॉलो अप जरूर कर लिया होगा। तो मैं इतना कहूंगा, आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया। बाकी मैंने थोड़ा आपको लगाना सिखा दिया, ठीक है, कैसे इसका आपने दो हुक लगाना है, कैसे आपने इसको इस्तेमाल में लाना, बेसिक जानकारी देने की कोशिश करी। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।